नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आऊँ जो कि FCI की तरफ से निकल के आ चुकी है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक अपडेट आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाके टाइप करना होगा www.meetacademy.in और फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है ये FSSAI की तरफ से आउट हुआ है, मतलब कि FSSAI की तरफ से। ऑनलाइन इसके लिए आपको आवेदन करने होंगे, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की, सबसे पहली वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड जूनियर असिस्टेंट एडमिन की एक पोस्ट आउट करी गई है। इसी के साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब कि MTS की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, और दो वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी जो है जनरल OBC वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है 885 जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ EWS PH SC ST के लिए यहाँ पर 531 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रहेगी, जिसके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन वैकेंसीज के लिए जो वैकेंसीज हैं, इनके लिए जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आपकी एज लिमिट दोनों ही वैकेंसीज के लिए 55 मतलब 55 ईयर तक रहने वाली है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन वैकेंसीज के लिए तो यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट जो है वो रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ये जो सैलरी आपकी है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर असिस्टेंट एडमिन के लिए यहाँ पे, तो वो रहने वाली है 29,850 रुपये। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे रहने वाली है 27,000 यहाँ पे आपकी जो सैलरी वो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, प्लस इसी के साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए यहाँ पे जो है 10th पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए हुए हैं, आप इसके लिए चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आता ही रहूँगा। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जो कि आउट हुआ था। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।